हेलो फ्रेंड्स, आज परसेंटेज का ये मेरा तीसरा लेक्चर है। आज मैं एक और टाइप का क्वेश्चन लेके आपके सामने हूँ और ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्या दिया है। अगर एग्ज़ाम में आता है आप इसको बड़े इजीली और बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मैं इसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। मैंने क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर रखा है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है तब गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। मतलब मल्टीप्लाई करना था 4/3 से और उसने गलती से 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई आपको पता इसमें त्रुटि है, इरर है। कितना इरर है वो कैसे पता करेंगे? तो आप याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाई किससे करना था पहले? 4/3 से। उसने मल्टीप्लाई किससे किया है बताइए? 3/4 से। तो फ्रेंड्स कितनी त्रुटि है अगर पूछता है, तो पहले आप दोनों के हर का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 3 और 4 का क्या हो जाएगा? 12। यहाँ भी 12 लिख दीजिए। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 16, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। मतलब ये हुआ, लिखना था उसको 16 लेकिन उसने लिख कितना दिया? 9। तो कितना कम लिखा? तो -7 कम लिखा। कितना कम लिखा? 7, क्योंकि लिखना था 16, लिख दिया कितना? 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसने कितना कम लिखा? पहले 7 लिखा। लिखना कितना था? ओरिजिनल कितना था? 16 था। और फ्रेंड्स यहाँ क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या आएगा। ये आप अगर कैंसिल करते हैं तो 25 टाइम्स और ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? ये हो जाएगा 25 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 150, तो 175/4। आप इसको होल फ्रैक्शन में लिख देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 4 4 जा 16, और यहाँ आ गया आपका 3 1 आया 15, तो 4 3 जा 4 3 12, ठीक है 15, तो बचेगा कितना? 3/4%। कितनी त्रुटि हुई फ्रेंड्स? 43 सही 3/4% की, 43 होल 3/4% की क्या है? परसेंटेज इरर है, प्रतिशत त्रुटि है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ दूसरे टाइप का। फ्रेंड्स ये है आपका टाइप 2। आप देखिएगा क्या आप हमें सुन पा रहे हैं। कह रहा दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, फिर इसको लॉन्ग में भी बता दूंगा। आप इसको थोड़ा सीरियसली देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, यहां तीन संख्याओं की बात हो रही है। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, मान लीजिए सबसे पहले आप यही मान लीजिए कि तीसरी संख्या कितनी है? 100 है। फिर उसके बाद एक दूसरी संख्या होगी, एक पहली संख्या होगी। तो मेरे भाई इसमें जो पहली संख्या है ना वो तीसरी से 20% ज्यादा, इसका मतलब ये हो गया 120, और जो दूसरी वाली है वो पहली से 50% अधिक है। पहली दूसरी वाली तीसरी से 50% मोर है। यहां कह रहा है कि पहली 20% दूसरी 50% अधिक है, इसका मतलब ये आपका आ गया 150। अब कह रहा है कि पहली संख्या मतलब ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो जिससे पूछ रहा है तो करना क्या है? 120/150 × 100 कर देंगे। मतलब दूसरी संख्या ये कह रहा है कि पहली संख्या ये जो है ये दूसरी वाली का कितना प्रतिशत है, तो जिस वाली का पूछ रहा है मतलब दूसरी वाली का, उसको नीचे रखेंगे और पहली वाली मतलब ऊपर हो जाएगा। कैसे भी बताते हैं, आपने 0 कैंसिल कर दिया, 0 5 3 15, 5 से जब डिवाइड करेंगे ये 2 हो गया दोस्त, ये देख रहे हैं 40 में डिवाइड हो जाएगा तो आ गया 80%। कितना आ गया? 80%। ये तो आप इजीली लगा लिए।
लेकिन अगर इसी को आप सॉल्व करते हैं तो बोल रहा है ना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो मैं ये कह दूं कि दूसरी संख्या का x परसेंट यही तो पहली संख्या है। अब आपको अगर यहां निकालना हो, आप सोल्यूशन करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, 120 यहां हो जाएगा 100 और 150 से डिवाइड हो जाएगा, वही चीज जो आप मैंने यहां सॉल्व किया वही मिलेगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 2 जा हो गया, 5 3 जा हो गया, 3 4 12 और आप कर देंगे 80। तो 80% इसमें भी आया फ्रेंड्स, 80% इसमें भी आया। तो आप चाहे ऐसे लगा लें चाहे ऐसे लगा लें, ये रहा आपका जनरल मेथड, ये रहा इसका शॉर्ट ट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं और हम कहीं कहीं से चूक जाते हैं या गलतियां करके चले जाते हैं। परसेंटेज में आप देखेंगे वहां पे एग्जाम में जो आपका ऑप्शन रहता है ना, वहां ये भी रहता है, जैसे ये तो राइट आंसर है, वहां ऐसे भी मिल जाएगा, इसका भी आंसर रहेगा। तो बहुत लोग ये गलती करके चले आते हैं। अब आप कैंसिल करेंगे तो कुछ दूसरा परसेंट आ जाएगा, उसका भी आंसर मैच कर जाएगा, जबकि सही आंसर हमारा ये है। अब यहाँ डिवाइड करिएगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो अलग आएगा। तो आपको इससे बचना है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इसका जनरल मेथड भी बता दिया और इसका शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया। चलिए हम लोग अगले टाइप वाले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि परसेंटेज पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे बड़े इजीली सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ दो तरीका बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से दोनों तरीके को समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले तो इसका एक मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, यहाँ तीन तरीका इसमें लग सकता है लेकिन मैं दो तरीका इसमें बताता हूँ। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 25% वृद्धि होती है तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब अगर लेंथ और ब्रेथ को 20 और 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो बोल रहा है उसका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। तो एक शॉर्टकट तरीका इसका ये है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम लोग, एल प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100 लगा करके और यहां लगाएंगे क्या प्रतिशत, क्योंकि सब वृद्धि हो रही है, सब में प्लस प्लस। तो 20% क्या बढ़ रहा है लेंथ, 50% क्या बढ़ रहा है ब्रेथ, 25% यहां क्या करेंगे 20 × 25 और अपान लगा देंगे 100 और यहां लगा दीजिए आप परसेंटेज, परसेंटेज जरूर लगा दीजिएगा। दोनों ऐड करेंगे तो 45, ये देख रहे हैं ये 4 बार में इसको कैंसिल कर देगा, ये 5 आ गया, 5 इसमें जोड़ देंगे तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 50% की। एक तो सिंपल हमने ये फार्मूला लगा दिया। अब आप इसका दूसरा तरीका समझिए, देखिए ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो लेंथ में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20%, और 20% का जो फ्रैक्शन होता है फ्रेंड्स वो होता क्या है बताइए, 1/5। बहुत ध्यान से समझिएगा, 20% का जो फ्रैक्शन होता है भिन्न होता है 1/5 होता है। अब आप समझिएगा कहने का मतलब, यहां एल लिख देते हैं यहां बी लिख देते हैं, तो एल पहले 5 था, बाद में बढ़ा, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6, ये आपकी लंबाई में वृद्धि हुई। चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट की 25%, तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है। कहने का मतलब ये हुआ पहले ब्रेथ कितना था 4 था, अब कितना हो गया 5, क्यों, क्योंकि 1 बढ़ गया, 4 में आपने 1 जोड़ दिया, क्योंकि 4 का ही 25% 1 होता है। अब बताइए हमें मालूम है कि एल इंटू बी एरिया होता है, तो ये लेंथ पहले था ब्रेथ ये था, अब लेंथ ये हुआ ब्रेथ ये हुआ, तो पहले एरिया कितनी आई बताइए 20, अब एरिया कितनी आई बताइए 30, तो कितनी एरिया बढ़ी भाई 10 बढ़ गई, 10 ही तो बढ़ेगा, कितने पे बढ़ा है 20 पे, मतलब पहले 20 था अब 30 हो गया, तो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मतलब 20 × क्या कर देंगे 100, तो 5 जा ये कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना 50%, ये भी 50% आया। एक तरीका ये भी है, तो आपको इन दोनों तरीकों में जो सबसे बेस्ट तरीका हो उसको यूज करिए, उसको लगाइए फ्रेंड्स। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें,
और भी अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाएं, आपको वहाँ सारे डिटेल्स मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे आपके साथ इसी चैप्टर का एक दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर, एक दूसरा टाइप लेकर। तब तक के लिए आई होप अगले वीडियो तक आप हमारा इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।